गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भाई। आज फिर एक टूर बन चुका है खाटू श्याम का, तो आज हम निकल रहे हैं, आज इस घर अंकल के घर पे आके ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं भाई। और भाई टाइम हो रहा है अभी 3:53, तो अभी 4 बजे निकलने का प्लान है, तो सारे तैयार हैं। बस थोड़ा एक दोस्त हमारा आज है अज्जू, तो वो नहा रहा है, थोड़ा लेट उठा था वो, तो नहा रहा है वो, बाकी ऑल सेट है घर पे। मैंने वो बाहर अंकल गली के बाहर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपना खाटू श्याम का एक दिन का टूर। मतलब एक दिन में हम सिर्फ एक दिन के लिए जा रहे हैं, मतलब रात को वापस आ जाएंगे। बस ये है कि चलो ठीक है, फन हो जाएगा, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। बाकी भाई अभी नहा रहे हैं, फिर जाके अपना निकलते हैं। अभी आगे एक गाड़ी और मिलेगी, जो लास्ट टाइम हमारे साथ बंदे नहीं गए थे, तो इस टाइम अब जाएंगे वो, तो अब देखते हैं हमें वो मिलेंगे आपका बिजवासन के आसपास मिलेंगे, तो वहीं मिलेंगे आपको फिर दोबारा। आप ओके बाय भाई। अभी हम रुक गए हैं गोलोक धाम, बिजवासन के बाद पड़ता है गोलोक धाम। अभी गाड़ी तीसरी आई नहीं है और भाई लेट, ये भाई लेट था, भाई लेट था, भाई की डांट भी लगी पिताजी से। बाकी तो वहाँ खड़े हैं, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है और बाकी हम यहाँ खड़े हैं। और अंकल जी अभी ठीक है, अभी अंकल जी आई नहीं है, एक गाड़ी और आने वाली है। बाकी भाई ड्राइव कर रहा है, लगता है ये पूरे टाइम ड्राइव करेगा भाई। वो धर्म कॉलोनी से आ रहे हैं गुड़गांव भाई, बहुत जल्दी तैयार हो गए थे, लेकिन भाई हम सबसे पहले हम ही पहुँचते भाई, जहाँ पहुँचते हैं लेट अतिप लोग पहले लास्ट में पहुँचते हैं। बाकी भाई मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है, बारिश हुई है रात को पूरी। ये भाई ये है गोलोक धाम मंदिर, गोलोक धाम मंदिर है। अंकल वहाँ तैयार हैं, पिताजी भी तैयार हैं हमारे, बाकी अंकल का वेट हो रहा है। बाकी रास्ते में जहाँ जहाँ रुकेंगे हम दिखाते रहेंगे, और ठीक है। और फाइनली अभी बहुत देर बाद रुके हैं, 5 बजे के निकले हुए हैं, अब रुके हुए हैं। ये भाई अज्जू भाई, भाई लेट थे भाई, पहले लेट थे, तब बहुत आगे बताते हैं। अभी इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, अभी टी टाइम हो चुका है, क्यों इस भाई से ही मिल लो भाई, सब वहाँ खड़े, पीछे मिला दो, सब पीछे खड़े हैं, सब पीछे खड़े हैं। जो उनसे भी मिलो भाई, कौन सा आए करो, आए आए करो, आए भी आए, हाय है ना। तो सब अभी टी पियेंगे, चाय इस भाई इसको नहीं देंगे, इसको तो आज हम आलू खिलाएंगे, आज हम आलू ले आए थे बनाने के लिए, भारा कुछ नहीं खाना भाई इस बार। तो भाई अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आपसे भाई। अब हो रहा है टी टाइम, तो अब खा रहे हैं ब्रेड व्रेड सब खा रहे हैं, भाई भी खा रहा है, सब खा रहे हैं, उन्होंने खा लिया पहले ही, ये भाई भी खा रहा है, भाई हमारी ब्रेड ये रही, और सब पीछे खा रहे हैं सब, सारे बारिश का मौसम रहा है, देखो सब बढ़िया हो रहा है। तो भाई खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मिलते हैं दोबारा, अभी CNG भरवाएंगे थोड़ा आगे जाके, ठीक है। तो भाई डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ से भी आधा किलोमीटर बाकी आ गया अभी, और भाई इतना जाम है आज, इतना जाम है, पूरा जवाब नहीं है भाई, ऐसे हो गए जहाँ पर देखो, ऐसे क्राउड देखो आप, ये सब पार्किंग है, ये पार्किंग भाई बहुत जाम है, बहुत ज़्यादा। अभी हम यहाँ से पैदल जा रहे हैं मंदिर के लिए, इतना जाम है कि भाई क्या बताऊँ, इतना जाम है। अब जो लोग दर्शन करके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई 4 से 5 घंटे लग रहे हैं उसके लिए, दर्शन के लिए। तो ऐसे तो भाई देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है, बाकी देखते हैं, बाकी सब आगे जा रहे हैं भाई। अब पैरों में चप्पल भी नहीं है, अब यहाँ से हम पैदल ऐसे करेंगे बिना जूते चप्पल के भाई। अजय मज़ा आ गया, कैसा मज़ा और ले लेते हैं भाई, झंडा देखना भाई, फील कैसा आ रहा है, झंडा ले लेते हैं, फील, अरे फील कैसा आ रहा है भाई, जतिन कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, स्टीयर भी ले रहा है। हाँ ठीक है, तो भाई अब यहाँ पर भाई रोड पे चल रहे हैं। अब भाई क्राउड देखो आप पीछे, यार क्राउड बहुत है, ये देख यहाँ भी तो पार्किंग, अंदर नहीं जान रहे लेकिन भाई, मैं लास्ट टाइम जब एग्जाम देने आया था यहाँ पर जयपुर, तो जयपुर से मैं शाम के टाइम आया था, तो भाई बिल्कुल भी जाम नहीं था, लेकिन इस टाइम पे इतना जाम है भाई, इतना जाम है, इतना क्राउड है। अच्छा ये भाई हमारे साथ है, फिर भाई हेलो नहीं बोलोगे, हेलो भाई। तो भाई ये भाई भी लास्ट टाइम केदारनाथ गए थे, तो भाई साथ में नहीं जा पाए थे, इनका कुछ पर्सनल इशू था, बोले तो जॉब के रिगार्डिंग था कुछ, तो बाकी ठीक है, आज हम इनको साथ में लेके आ गए, लेकिन इनको 3 घंटे वेट करना पड़ेगा दर्शन के लिए, जिनमें इनको थोड़ी दिक्कत होती है भाई, दिक्कत होती है थोड़ी, बाकी देखते हैं। Thank you.
भाई बहुत क्राउड है, धूप भी बहुत हो रही है, गर्मी भी इतनी हो रही है भाई, पूछो जवाब नहीं है भाई, बहुत बहुत क्राउड है। पीछे देख रहे आप और फिर आगे देखो आप, हम तो नहीं देख रहे, आगे देखो आगे, सब आगे चल रहे हैं भाई। हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ चाय के अलावा हमने कुछ पिया भी नहीं है, सिर्फ हमने दो प्याट खाए थे भाई, वो सुबह खाए थे भाई, 7 बजे के खाए थे ना, 7 रुपए ले लेंगे, और 7 बजे भाई 7 बजे खाए थे हमने भाई। अब पता नहीं कितना और आगे जाना पड़ेगा, और जब भी तो लाइन में लगना पड़ेगा, लाइन में कितना वो होगा कितना नहीं होगा भाई, कैसा लग रहा है चलना भाई, लाइन में भीड़ है भाई, पहली बार आया हूँ, पहला एक्सपीरियंस मतलब सुना बहुत था, पर आज देख ली भाई भीड़ मतलब है, पूरी श्रद्धा है अटू बाबा की भाई, बिल्कुल है भाई। मैं तो लास्ट टाइम भी एग्जाम है तब भी आया था भाई, तब तो भाई मैं पूरी गाड़ी यहाँ पर लेके गया था, ले लूँगा भाई धागा, हाँ ले लियो, लेकिन ठीक है भाई, गुलाब लेके जा रहे हैं अटू साहब जी के लिए, हाँ भैया ना हमें भी जाना चाहिए था ना, चलो हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर वहाँ पर मंदिर के पास पहुँच के लाइन में लग के फिर आपसे दोबारा बात करते हैं, ठीक है ओके भाई। देखो इस देख भाई, भाई गले में डालते हैं भाई, गले में भाई कितने रुपए तो डालने के भाई, कितने रुपये डालने के, कितने रुपये भाई, हाँ भाई भाई ये देखो भाई, भाई भाई एक मिनट भाई, दूर देते कितने रुपये दे भाई, देते ना आपके आत्मा सर बेटा, ऐसे ऐसे यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बाकी भाई भीड़ तो बहुत है, लेकिन भाई ये मंदिर अंदर ही है, ये मंदिर है, ये मंदिर है भाई, भाई यहीं से कूद के जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर भाई भीड़ इतनी है ना, देखो आप भीड़ देखो, अभी तो इसमें क्या जिग जैग सी रेलिंग सी लगा रखी है, तो साइड में हो गए आते बंदे, बाकी भाई भीड़ तो बहुत है, भीड़ तो इतनी है, कोई जवाब नहीं है ये भाई, भाई चाह रहे मैं कूद जाऊं, चाह रहे ना कूद जाऊं, मैं अपन ब्लॉग बनाते हो क्या, कूद जाओ कूद जाओ, मेरे को दिक्कत नहीं है, ब्लॉग बनाते हो, हां भाई स्टार्ट किया अभी, भाई अब खाना खाने के लुके हो गए भाई, पहले हम वहां पर गए थे, वो दिखा वहां गए थे, वहां पर टेबल नहीं था पूरा, और हम भाई बंदे हैं बहुत सारे, बंदे हैं बहुत सारे, दिखा रहे दिखा रहे हैं, एक टेबल बंद कर लिए, पापा वगैरह अंकल वगैरह बैठे हुए हैं, अब खाने का ऑर्डर दे दिया, खाने का ऑर्डर दे दिया है, खाने का ऑर्डर दे दिया भाई, भाई खाना तो थोड़ा वगैरह है, बस सही है, पर क्या करें, मजबूरी खाना पड़ेगा भाई, भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं तो।